बाप रे, हॉरर मूवी का सीन जैसा लग रहा है यार। कैसे बैठूंगा 20-25 मिनट यहाँ पे। लाइफ में पहली बार आज मैंने एक स्टीम बाथ लिया। स्टीम बाथ लेने से पहले और बाद में एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रोसीड्यूर्स, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और स्टीम बाथ आपको लेना ही क्यों चाहिए एग्जैक्टली मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग पंडा एंड यू आर वॉचिंग एवरेज अनुराग। आज का जो टॉपिक है स्टीम बाथ, तो पहले ये जान लेते हैं ये स्टीम बाथ होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है स्टीम क्या होता है, स्टीम बाथ होता क्या है। तो बेसिकली वो एक स्टीम चैम्बर या फिर स्टीम रूम होता है। उसमें एग्जैक्टली क्या किया जाता है, वहां पे वाटर को हीट करके वहां से स्टीम प्रोड्यूस किया जाता है। और वो एक चैम्बर के अंदर ही रहता है, ग्लास डोर्स रहते हैं और उसमें स्टीम उसके अंदर रह के उस रूम का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर देता है। तो अगर अराउंड 50-60-70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है टेम्परेचर, तो जब आप उस रूम के अंदर जाते हो ड्यू टू दैट स्टीम एंड हीट आपके बॉडी से बहुत सारा स्वेटिंग होता है। रिसेंट इज दैट इंफ्रारेड स्टीम बाथ, उसमें ना ही पानी को गर्म किया जाता है, उसमें इंफ्रारेड रे के थ्रू बॉडी में हीट प्रोड्यूस किया जाता है। वो एक एडवांस्ड लेवल का है, अपने जिम में वो अवेलेबल नहीं था। अपने जिम में जो कन्वेंशनल स्टीम बाथ है वही अवेलेबल है। तो ये तो हो गया कि स्टीम बाथ होता क्या है, बट स्टीम बाथ ले क्यों, क्या बेनिफिट्स क्या है इसके। पहला तो स्टीम बाथ जो हम लोग लेते हैं उससे बॉडी से बहुत सारा स्वेटिंग होता है। अगर बॉडी से बहुत सारा स्वेटिंग होगा तो हम लोग का जो स्वेट पोर्स हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा एक्सेसिव ऑयल जो है बॉडी के वो बाहर निकल जाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता है, माइंड में जो फोकस रहता है, जो माइंडफुलनेस बोलते हैं, जो तो ये आपके माइंड में फोकस इंक्रीज करने में उसको हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट जो है स्टीम बाथ का, जो आपको इंस्टेंटली फील होगा, स्टीम बाथ लेने के बाद आप जैसे 30-35 मिनट इतने हाई हीट में स्टीम में बैठते हो, बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है। इंस्टेंटली देखना, आपको लगेगा कि मेरा बॉडी पंप्ड लग रहा है मुझे। वो इसके लिए दिखता है कि आपका बॉडी ज्यादा क्रिस्प हो जाता है, बिकॉज एक्सेस वाटर वो छोड़ देता है पानी से। सो फोटोशूट्स जो लोग करवाते हैं, मॉडल्स या फिर फिटनेस मॉडल्स जो भी हो, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कैसे क्या करके स्टीम बाथ लिया। वर्किंग डे के अंदर ना रखो तो ही अच्छा है, रख सकते हो। जिस दिन आप वर्कआउट कर रहे हो उस दिन मत रखो। जिस दिन मैंने किया था उस दिन मैंने थोड़ा सा लाइट वर्कआउट किया था। बहुत हैवी वर्कआउट के बाद बॉडी बहुत स्ट्रेस्ड कंडीशन में होता है, उस टाइम पे बॉडी का कोर टेम्परेचर फिर से इमीडिएटली इंक्रीज करके इतना सारा स्वेटिंग करना, आई थिंक इट वुड बी ए ओवरकिल। बट मैंने कुछ लोगों के बारे में पढ़ा है और कुछ बॉडी बिल्डर्स के वीडियोस देखे हैं, वो ऐसा करते हैं। बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं ऐसा आप मत करो। लाइट वर्कआउट के बाद फिर मैं डायरेक्टली गया, ड्रेस चेंज किया, फिर एक कोल्ड शावर लिया। कोल्ड शावर इसके लिए कि बॉडी में अगर कोई एक्स्ट्रा स्वेट या फिर कुछ है, डर्ट बर्ट कुछ है, ताकि वो क्लियर हो जाए, जैसे कि हेयर हो गया, आपके फेस हो गया। तो कोल्ड शावर लेने से क्या होगा, बॉडी ये सब क्लियर हो जाता है। और कोल्ड चीज जब बॉडी पे पड़ता है ना तो बॉडी इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है। उसके बाद इमीडिएटली मैंने बॉडी को ऐसे वाइपआउट किया ऐसे नॉर्मल तौलिए से। फिर आपको मिनिमल क्लोथिंग पहनना है, आप यू कैन वेयर अ बॉक्सर, तौलिया पहन के जा सकते हो। इट शुड नॉट बी टू टाइट ऑन योर बॉडी, और ये बहुत सारा बॉडी का जो पार्ट्स है उसको कवर भी नहीं करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो टेक नेकेड इफ यू वॉन्ट टू, आई डिडंट डू इट। मैंने एक तौलिया पहना हुआ था, फिर मैं डायरेक्टली गया स्टीम रूम पे। अब मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। स्टीम रूम मेरा मतलब कांच का एक डोर है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था। बाहर टेम्परेचर सेट कर सकते हो, टाइम सेट कर सकते हो आप। टेम्परेचर एग्जैक्टली अंदर कितना था वो मैं देखना भूल गया, बिकॉज टेम्परेचर जो सेंसर है वो आउटसाइड था और मैं भूल गया आई थिंक। तो वट एवर, इट शुड बी, इट मस्ट हैव बीन अराउंड 70-80 ऐसा कुछ टेम्परेचर था उसका। उसके अंदर फिर मैं गया, काफी अंधेरा था, मुझे तो पहली बार लगा कि यार अजीब लग रहा है बहुत। बाप रे, हॉरर मूवी का सीन जैसा लग रहा है यार। कैसे बैठूंगा 20-25 मिनट यहाँ पे। मैं पहले सोच रहा था कि 30-35 मिनट बैठूंगा तो फोन लेके चला जाता हूँ, बट आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट टू टेक योर फोन इनसाइड, बहुत ह्यूमिड और मॉइस्ट होता है। आपको पहले पहले बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, बिकॉज टेम्परेचर बहुत हाई है और सडनली बाहर से जब अंदर जाओगे डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इतना डिफरेंस इन टेम्परेचर। बट यू विल गेट यूज टू इट आफ्टर 5-6 मिनट्स के बाद, बॉडी यूज टू हो जाएगा,
फिर आप अंदर बैठना, बहुत सारा स्वेटिंग होगा, बॉडी से हीट भी बहुत निकलेगा, मतलब गर्म लगेगा आपको बहुत। हाँ, 30-35 मिनट एक जगह पे बैठना आपको थोड़ा दिक्कत लग सकता है, बट आई वुड एडवाइज यू टू टेक दिस एज ए मेडिटेशन अप्रोच, बिकॉज 30-35 मिनट आप बैठ रहे हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, यू एंड योर थॉट्स, जो भी हो कैसे भी करके 35 मिनट मैंने निकाला। फिर बाहर आया, मुंह और बॉडी पूरा लाल हो चुका था, नथिंग टू वरी अबाउट। फिर आपको थोड़ा टाइम रुकना है, मतलब इमीडिएटली आपको निकल के कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है, थोड़ा 2-3 मिनट दो बॉडी को एडजस्ट होने में। उसके बाद रिकमेंडेड है आप डायरेक्टली फिर से कोल्ड शावर लो, क्योंकि सोना से बहुत सारा स्वेटिंग और बॉडी का जो डर्ट वर्ट टाइप का है वो निकल के आता है, आपको उसको फिर से क्लीन करना है। पोस्ट सोना के बाद एक शावर लेना पड़ेगा, बॉडी का जो पोर्स ओपन हो जाते हैं ना इतने हीट की वजह से, उसको आपको फिर से क्लोज करना है। तो आपको ठंडे शावर में, इट डिपेंड्स ऑन यू, 5-10 मिनट भी ले सकते हो, एज लॉन्ग एज यू कैन, हेयर्स अच्छे से वॉश कर लो, क्योंकि बहुत सारा स्वेटिंग रहता है उस टाइम पे, उस टाइप कंडीशन में ज्यादा टाइम रहना सही नहीं है। और मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया, बट 800-900 ग्राम के आसपास मेरा वेट कम हुआ था। मैं एक मिथ को एड्रेस करना चाहता हूँ स्टीम में, बहुत सारे जिम में ये आपको बोला जाता है कि स्टीम आपका वेट रिड्यूस करता है, और वो लोग ये एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि देखो अभी आपका वेट 75 है, एग्जैक्टली स्टीम लेने के बाद इट्स लाइक 74, जो पानी आपका बॉडी से निकला है वही आपका वेट रिड्यूस हो रहा है। फिर से अगर आप 1.5 लीटर पानी पियोगे, अब ऑटोमेटिकली आपका वेट जो पहले जितना था उतना ही हो ही जाएगा, वो टेम्पररी चीज है, उससे कोई फैट लॉस होता नहीं है। फैट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है, अच्छा खाना खाना है, थोड़े बहुत कार्डियो करने हैं। स्टीम बाथ हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट इट डजंट हेल्प यू इन फैट लॉस। आई होप आपको मैं जितना बता सकता था, मेरे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर टेकिंग स्टीम बाथ मैंने आपको डिटेल में शेयर किया। अगर आप सोचते हैं कि दिस वीडियो विल बी रियली यूजफुल, सो काइंडली शेयर दिस वीडियो विथ वन ऑफ योर फ्रेंड्स हु इज गोना टेक अ स्टीम बाथ फर्स्ट टाइम। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल हेल्प मी और एनकरेज मी टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।